आज 28 मई 2023 को भारत में नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह तो हम सभी को पता है, लेकिन इस पूरी सेरेमनी में एक सिंगल सेरेमनी के बारे में कई लोगों के मन में अनेक अवधारणाएं हैं। इनको स्पष्ट करते हुए आज का वीडियो सिंगल पर तैयार किया गया और इसका विरोध विपक्ष लगातार क्यों कर रहा है, इस पर प्रकाश डालने के लिए इसके इतिहास को जानना आवश्यक है। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सिंगल से जुड़ा एक बयान आता है कि माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जो प्रमाणित करे कि यह राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र संगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी या वॉकिंग स्टिक समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया गया। आखिर सच्चाई क्या है? इसके लिए हमने अंबेडकर के आर्टिकल से लेकर लैरी डोमिनिक की किताब और ट्रॉम मैगजीन की कवरेज तक 7 दस्तावेज खंगाले हैं जहां नेहरू की गोल सेरेमनी के बारे में लिखा है। उम्मीद है इसके बाद कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। सबसे पहले टाइम मैगजीन के 25 अगस्त 1947 के अंक में लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जैसे तर्कवादी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पर धार्मिक भावना से भर गए। दक्षिण भारत के तंजौर से एक हिंदू मठ के प्रमुख श्री अम्बलावना देसीगर के 2 दूत आए। श्री अम्बलावना ने सोचा था कि नेहरू वास्तव में भारतीय सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में सत्ता संभाल रहे हैं। उन्हें प्राचीन हिंदू राजाओं की तरह हिंदू संतों से शक्ति और अधिकार का प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। दोनों दूत सन्यासी वेशभूषा में नेहरू के घर में पूरी गरिमा से दाखिल हुए। एक सन्यासी के हाथ में 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा सोने का राजदंड था। उन्होंने तंजौर से लाया पवित्र जल नेहरू पर छिड़का और माथे पर पवित्र राख की लकीर खींच दी। फिर उन्होंने नेहरू को पीताम्बर पहनाया और उन्हें सुनहरा राजदंड सौंप दिया। इसके बाद हम आते हैं, जाने माने पत्रकार डीएफ कराका ने 1950 में प्रकाशित अपनी किताब में पेज नंबर 39 में संगोल सेरेमनी का जिक्र किया। उसमें लिखा, पंडित नेहरू जो आमतौर पर मंदिर या धार्मिक समारोह में न जाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी धार्मिक पंडितों का आशीर्वाद लेने की सहमति दी। तंजौर से सन्यासियों के प्रमुख पुजारी के दूत आए। प्राचीन भारत में पवित्र पुरुषों से शक्ति और अधिकार पाने की परंपरा थी। पंडित नेहरू इन सभी धार्मिक समारोह के आगे झुक गए। नई दिल्ली का मिजाज लगभग अंधविश्वासी हो गया था। इसके बाद आते हैं डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की चर्चित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के चैप्टर जब दुनिया सो रही थी में संगोल सेरेमनी का जिक्र भी किया गया है। मद्रास के नटराज मंदिर से पीताम्बर और अन्य पवित्र वस्तुएं लेकर जो साधु दिल्ली आए थे, उनका भव्य जुलूस यार्क रोड के 17 नंबर बंगले की ओर बढ़ रहा था ताकि उस व्यक्ति को ईश्वर का आशीर्वाद दिया जा सके जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं था और जो कुछ ही घंटों बाद इस देश का कर्णधार बनने जा रहा था। जैसे हिंदू संतों ने प्राचीन भारत के राजाओं को अपनी शक्ति का प्रतीक प्रदान किया था, वैसे ही ये सन्यासी एक आधुनिक भारतीय राष्ट्र का नेतृत्व संभालने वाले व्यक्ति को अपने प्राचीन अधिकार के प्रतीक प्रदान करने के लिए यार्क रोड आए थे। फिर हम आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लेखन और भाषणों पर। महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 1979 में एक किताब प्रकाशित की। इसके अध्याय 5 के पेज नंबर 149 में संगोल का जिक्र है। 11 अगस्त 1947 को द हिंदू के मद्रास अंक में भी लिखा गया है और इसके बारे में 13 अगस्त 1947 को इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास एडिशन में भी है। 15 अगस्त 1947 को द स्टेट्समैन ने अपनी न्यूज़ रिपोर्ट में लिखा,
कि पंडित नेहरू को उनके आवास पर एक सुनहरा संगोल भेंट किया गया। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीयों ने समारोह देखा। इन सभी ऐतिहासिक संदर्भों से साफ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को संगोल दिया गया था। इस संदर्भ में न तो माउंटबेटन को संगोल देने और उसे वापस लेने, जल से पवित्र करने का जिक्र है और ना ही इसे अंग्रेजों से सत्ता स्थानांतरण के प्रतीक के रूप में देने पर साफ तौर पर कुछ भी लिखा गया है। न्याय का प्रतीक राजदंड सिंगोल, जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने साष्टांग प्रणाम किया और नवीन संसद भवन में स्थापित कर दिया, यह सिंगोल भारत की प्राचीन सनातनी पद्धति एवं न्याय का प्रतीक है, इसलिए इसे संसद भवन में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि यह प्राचीन हिंदू संस्कृति का प्रतीक है, शायद इसीलिए आधुनिक समाज के प्रणेता इसे स्वीकार करना नहीं चाहते।